नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज, आपके साथ मैं हूँ आरती बेनिया। जल चोरू और जमीन, इन तीनों के मुंह से मनुष्य को कभी भी मुक्ति नहीं मिली है। छत्तीसगढ़ के धार्मिक नगरी शिवरी नारायण में लंबे समय से माल गुजारों और धनपतियों के बीच साठ गांठ करके जमीन की हेरा फेरी कर रहे हैं। पहले दान में धर्मार्थ दी जा चुकी है, उसे पुनः अपने नाम करा लेने की लंबी साजिश सन 1930 से लेकर आज तक चली आ रही है, जो जमीन के महाभारत के रूप में तब्दील हो चुका है। एक ऐसा वाक्य जिसमें धर्मदा परिवार प्रयाग प्रसाद जगन्नाथ प्रसाद केसरवानी के परपोतों ने कर दिखाया है। यह भी सही है कि अस्पताल तथा नदी घाटों के निर्माण के लिए नगर के धनपति लोग हमेशा से दान देते आए हैं। उन्होंने बाबा घाट के बगल में घाट निर्माण और प्रयाग प्रसाद जगन्नाथ प्रसाद केसरवानी धर्मशाला निर्माण के लिए 18 एकड़ जमीन आपसी सहमति से धर्मथा निकाला था। प्रयाग प्रसाद केसरवानी की मृत्यु के बाद उनके चार बेटों ने बलदाऊ, सत्यनारायण और ओमकार के नाम से दान में दी हुई जमीन वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हुई, जो आश्चर्यजनक ढंग से शिवरी नारायण तहसील के दो नामी बड़े पटवारी की कारगुजारी से सीधे सत्यनारायण केसरवानी की पुत्री अनीता केसरवानी के और बेटे पंकज केसरवानी और नीरज केसरवानी के नाम से सीधे पटवारी रिकॉर्ड में दर्ज करा दी गई, जो अपनी किस्म का एक चौंका देने वाला अनियमितता है। इसे जिले के तमाम आला राजस्व अधिकारी भी जानते हैं, लेकिन इसे 420 के प्रकरण में अभी तक कार्यवाही शून्य पर है। मोहल्ले के लोगों और पुराने जानकारों ने हाई स्कूल और उसके सामने 622 खसरा नंबर 22/1 और 622/2 की जमीन, जो लोगों से पैसा वसूल कर बेची गई है, उनके खिलाफ शासन ने दंडात्मक कार्यवाही की मांग की है। हम नीरज ला 20,000 दे हन, गरीब मनखे हन, हमन ला पट्टा दिए जाए घर के, हमन आके बसे हन, कैसे मोर जगह ऐसे के ठग के पैसा ले है, कुछ नहीं दे कागजात कुछ, और हमन 20,000 दे हैं हमन जमीन के, हमन ला पट्टा दिए जाए। अब कहा थे के घर ले निकाले बा कोशिश करा थे मोर जगह कहके, नोटिस सरकार दहले आ रही से बहुत पहले, 2-4 साल पहले, तहले अभी नहीं आए हैं। अब तो अभी सरकार से आपन का गुहार लगा था? अब अभी के ला तो नहीं जाना था काय बोला थे तेला, कहा था हमन पट्टा मांगबो, हमन गरीब मन के कहाँ जाबो। तो वो मन आ रही से जमीन वाला मन आए रही से, लेकिन वही का कहते घर ले खाली करा ए जगह मोरे, ऐसे कह के धमकी चमकी ऐसे दे है। कौन देते रही? नीरज मन है, अब थे दिए है ता, अब दे दारे धोखा से, अब काय सबूत बताबो, कुछ सबूते नहीं दिए है ता। और ये घर जो है मेरा बहन के नाम में, मेरे पिताजी 2005 में लिए थे, और छेदी के माध्यम से मेरे पिताजी के पास 82,000 रुपये में इस भूमि को ख़रीदा गया है, जिसका लिखा पढ़ी आज तक नहीं दिया, दूंगा दूंगा कह करके मिसल बता करके ज़मीन को लेन देन कराया। हाँ, नीरज गुप्ता बोल रहे हैं आपको? है अब क्या बोल रहे हैं? वो तो लिखा पढ़ी दिया ही नहीं, धोखाधड़ी किया, अब मेरे पिताजी ख़त्म हो गया। हाँ, मेरे बहन के नाम से लिया था। अब क्या बोल रहे हैं? ज़मीन खाली करने के लिए? नहीं, ज़मीन खाली करने के लिए नहीं बोल रहा है, वो नहीं बोल रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि ये स्कूल में दान दी गई ज़मीन है। स्कूल और ज़मीन को फर्जी तरीके से आपको बेच दिए? हाँ हाँ, परमिशन में उसका नाम में था, उसका वंशज के नाम में। हाँ, अब बसंत में क्या, उसका वो दूसरे गांव का है, यहाँ का माने बलदाऊ के माने वंशज के नाम में थे, बलदाऊ के सरवानी के वंशज के नाम में थे। तो कितना साल हो गया आप लोग यहाँ रहते हैं? यहाँ 15-16 साल। 15-16 साल से नहीं पता था कि आप लोग के? नहीं नहीं नहीं, मिसल में उसी का नाम था ना, मिसल बता करके हम लोगों का ज़मीन है कह करके। तो क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? हम तो मन चाह रहे हैं कि मन ऐसे लोगों को जो धोखाधड़ी करते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, लोगों को बेवकूफ़ बना। मेरा ही नहीं, कई जानों की, इसके पास 70,000 लिया है, ये लोहार जी के पास पैसा लिया है, ये छहुरा के पास पैसा लिया था, कई जाने बीना चौहान के पास पैसा लिया था, अरविंद साहू के पास पैसा लिया था, कई जाने हैं जो पैसा दिए हैं। सबको मतलब फर्जी तरीके से ज़मीन बेचा गया? हाँ, मेरा ज़मीन है कह करके बेचा गया है।
छेदी यादव को मिताल ल करके सबसे पैसा मनी लेन देन कराया है और लिखा पढ़ी किसी को नहीं दिया। जांजगीर चांपा जिले के धार्मिक नगरी टेंपल सिटी शिवरीनारायण में इन दिनों जमीन को लेकर जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है और दान किए हुए जमीन पर अब सियासी छिड़ गई है, जिसको लेकर कई वर्षों से लोग यहां रह रहे हैं। अब उनको फर्जी तरीके से ज़मीन बेचा गया था 15 से 20 साल पहले, अब उनको ज़बरदस्ती ज़मीन खाली कराने के लिए उनको बोला जा रहा है। और यहां के कुछ लोग हैं, उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ इस ज़मीन को लेकर माना जाता है, क्योंकि इस ज़मीन को आधे ज़मीन को शासकीय गवर्नमेंट स्कूल के लिए भी दान किया गया है और कई धर्म के लोगों के लिए भी दान किया गया है, लेकिन अब उन्हीं लोगों को यहाँ से घर से बेघर करने की तैयारी की जा रही है। यहाँ के कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ किन के नाम पे ये ज़मीन थी और क्या कुछ यहाँ की कहानी है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, ऋषि कुमार शर्मा जी, उनसे हम जानेंगे कि यह ज़मीन किन के नाम पर थी और कितने सालों से लोग यहाँ पर रहते आ रहे हैं। ये मूलतः यहाँ के जो पुराने रईस हैं जगन्नाथ प्रसाद प्रयाग प्रसाद के सरवानी, उनकी ये ज़मीन थी जिसको बावा घाट के बगल में चिंता घाट और केसरवानी धर्मशाला के नाम से दान में दिया गया था, धर्मार्थ निकाला गया था आपसी सहमति से। बाद में अब जर जोरू ज़मीन का जो लोभ है वो किसको नहीं होता, ये ज़मीन अपने व्यक्तिगत नाम से कराने का प्रयास किया गया और राजस्व विभाग के अधिकारियों से मिलकर इस ज़मीन को अपने नाम करा भी लिया। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है, यदि ये ज़मीन प्रयाग प्रसाद जगन्नाथ प्रसाद केसरवानी की है तो जगन्नाथ प्रयाग प्रसाद केसरवानी के चार बेटे हैं, बलदाऊ है, दाऊ है, ओंकार है और सत्यनारायण है, इन चारों के नाम से ज़मीन को आना चाहिए। पर सबसे बड़ी अनियमितता यहीं पर शुरू हो गई जब इन चारों भाइयों के नाम से ज़मीन 18 एकड़ या जो भी बचा होगा वो सीधे सत्यनारायण केसरवानी के नाम से, एक भाई के नाम से आ गया और सत्यनारायण केसरवानी के बाद उनकी जो पुत्री है अनीता केसरवानी उनके नाम से चला गया और अनीता केसरवानी के बाद यह ज़मीन सीधे पंकज और नीरज गुप्ता के नाम से आ गया। लाजमी यह है, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये जो पंकज और नीरज गुप्ता नाम के दो व्यक्ति अपने आप को यहाँ का निवासी बता रहे हैं, वो मूलतः यहाँ के निवासी हैं ही नहीं, वो तो धमदा वार्ड नंबर 5 गुप्ता मोहल्ला के निवासी हैं। जब वो वहाँ के निवासी हैं तो उनको ये पैतृक ज़मीन यहाँ से किस आधार पर मिली, किन दस्तावेजों के आधार पर मिली, उनको दस्तावेज पेश करना चाहिए, कलेक्टर साहब के सामने पेश करना चाहिए, SDM के सामने पेश करना चाहिए, तहसीलदार के सामने पेश करना चाहिए, जहाँ वो अपने बातों का सबूत पेश कर सके। और ऐसे पटवारी से मिल करके या ऊँचे राजस्व अधिकारियों से मिल करके ज़मीन, इतनी बड़ी ज़मीन, इतनी बेशकीमती ज़मीन जिसको धर्मार्थ उपयोग में लाया जाना चाहिए, उसको ज़मीन को अपना कहना, ये तो सरासर अन्याय है, गलत है। और ये बेचारे जो यहाँ पर रह रहे हैं उनका क्या दोष है इसमें, इन्होंने पैसा दिया उनको, कोई किसी ने 40,000 दिया, किसी ने 50,000 दिया, ये बता रहे हैं, इनका पैसा वापस कराए और नहीं कराते हैं तो पुलिस विभाग को संज्ञान लेना चाहिए इस बात पर, पुलिस संज्ञान ले और धोखाधड़ी करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ अपराध कायम करे, ये तो सरासर लूट है गरीबों के साथ में, उनको न्याय मिलना चाहिए। और इस बात को मैं यही नहीं, मैं राजस्व मंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुँचाऊँगा इसको। देखा जा रहा है कि कई सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, अब इनको खाली करने का जिस प्रकार से उन्होंने बोला तो ये लोग घर से बेघर होकर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, ये कहाँ जाएंगे, ये तो बेचारे दूसरे गांव से कमाने खाने वाले मजदूर हैं, आकर के यहाँ अपने अपने जीविकोपार्जन कर रहे हैं धार्मिक नगरी में कि हमको यहाँ कहीं छोटा सा जगह मिल जाए। और इनको ये किस कितनी मेहनत मशक्कत के बाद ये लोग 70,000-80,000 रुपये इकट्ठा किए होंगे और उस धनपति व्यक्ति को दिए होंगे, तो सोचने वाली बात है, इसको तो आम आदमी सोच सकता है, जान सकता है कि भाई ये गरीब जिनके पास जो रोजी मजदूरी करते हैं वो लोग लाख लाख रुपए, 70,000 रुपए, 80,000 रुपए कहाँ से लाए होंगे, किस तरह लाए होंगे। और ये अब रह रहे हैं, इनका छांव है, इनके छत पर एक जो छोटा सा झोपड़ा बना हुआ है उसको भी आप तोड़ दोगे, आप मेरा है बोलोगे, जबकि ये ज़मीन आपका है ही नहीं, और जो ज़मीन आपका नहीं है उसको आप अपना कैसे कह रहे हो भाई, आपके पास क्या दस्तावेज है, किस आधार पर ज़मीन आपके पास आपके नाम से आई, इसको तो आपको साबित करना पड़ेगा कलेक्टर महोदय के सामने। और मैं तो माननीय कलेक्टर महोदय को भी निवेदन करूंगा कि वो इस ज़मीन की गहराई से जांच कराएं। अरे सबसे हंसी वाली बात तो यह है साहब कि जहां इनका श्रृंगार सदन खुला हुआ है, अनीता श्रृंगार सदन, वो भी कोटवारी ज़मीन पर है, कोटवारे शासन ने तो आदेश दे दिया है कि कोटवारों की ज़मीन वापस की जाए और वो जहाँ पर जो व्यक्ति है उसको बेदखल कर दिया जाए। तो शासन के नियमों को मानते हुए तहसीलदार साहब, SDM साहब और कलेक्टर साहब को चाहिए कि जो बड़ी बड़ी दुकानें इनके रोड के ऊपर बनी हुई हैं उसको तोड़े और ये जो ज़मीन जिनको अपना फर्जी तरीके से अपना बता रहे हैं उस पर सही न्याय लोगों को देना चाहिए।
जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि ये जमीन को फर्जी कर तरीके से यहाँ पे बेचा गया और कहा जा रहा है कि 70-80 हज़ार में बेचा गया और ना तो इनको कोई दस्तावेज मिला, ना ही कोई पर्ची मिला, ना किसी भी प्रकार की इनको दस्तावेज दी गई। अब लोगों को दराद हम कहकर खाली करने की बात की जा रही है। यहाँ के कुछ दादा हैं, उनसे हम बात करेंगे कि जमीन को लेकर क्या कहेंगे आप। इसी को कहते हैं साहब, अंधा हो गया कानून, भैरा है सरकार, कौन देखेगा गरीब के दुख को तो कौन सुनेगा गुहार। खेती खार तो चौपट पड़ गया बरसी के दुकाल, बाल बच्चे कैसे जी आएंगे सूखा ठन ठन गोपाल। भूख दुख में चोला खिना गया पोचवा पड़ गया गाल, साधु सन्यासी बन नहीं पाए फंस गए माया के जाल। नाव हमारा डगमग डगमग डोले मांझा धार, कौन देखेगा गरीब के दुख को तो कौन सुनेगा गुहार। मांस को खा दिया सेठ महाजन डेढ़ी दुन्नी ब्याज में, खून को चुहक दिया पुलिस अदालत घुसखोरी के राज में। सूखा हड्डी बच गया उसको बेच दिए हम दो दो पैसे में, इतना मेहनत हम कमा रहे हैं लेकिन दिहाड़ी मिल रहा है हमको एक नए पैसे में। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जमीन को लेके आप किस प्रकार देख रहे हैं, आप आपको यहाँ से खाली करने के लिए बोला जा रहा है, धमकी दे रहा है बहुत सीधा। अब देखो साहब, हमको तो 40-50 साल हो गया, अब 30-35 साल की 40 या अब उतना दिन से तो गरीब आदमी है, जब कमा करके खा रहे हैं, अब क्या करें। अब इतना गुहार को सुनते ही नहीं सुनेंगे तो जैसा करना है वैसा कर लेना साहब, अब क्या करेंगे। जगह अभी खाली करने के लिए बोल रहे हैं। हाँ, आप जाएंगे तो जाएंगे कहाँ यहाँ। अभी तो हमारा साहब जी बोले हैं तो आप जहाँ भी हमको रास्ता बताओगे वहीं रहेंगे साहब, गरीब तो हैं। इस जगह को धार्मिक नगरी भी कहा जाता है। हाँ। और धार्मिक नगरी से आपको बाहर किया जाएगा और ऐसे गुंडे बदमाशों के द्वारा, जैसे आपके द्वारा आ रहा है, बोला जा रहा है, तो फिर आप सरकार से क्या गुहार लगाते हैं। हमारा विनती यही है साहब कि भाई हमारा तो हाथ और पैर कुछ नहीं है, हाथ पैर के सिवाय, आप जैसे चाहोगे वैसा कर लेना साहब, बन तो बना तो लिए हैं और यहीं रहते हैं, गुजार कर रहे हैं रोटी पानी। और मेरे को भी लकवा बात पकड़ लिया है, साल भर हो गया है। हाँ, आप घर में कौन मुख्य कमाते कौन है। बस मेरा बेटा बहू गए हैं हैदराबाद कमाने खाने के लिए। अभी आप अकेले रहते हैं। अकेले रहता हूँ, मेरे बहू है, भाई पतो, भाई बहू और तीन भाई हैं, तीनों भाई का मकान यही है, लेकिन कोई तो नहीं है, मैं ही। जिस प्रकार से हमने लोगों को भी बात किया, उनका कहना है कि साफ तौर पे कि यहाँ फर्जी तरीके से उनको ज़मीन बेचा गया और ना ही दस्तावेज दी गई। अब सरकार से एक ही गुहार लगा रहे हैं कि न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि हमको यहाँ की ज़मीन के ओरिजिनल दस्तावेज मिले और हमको यहाँ का पट्टा हमको दिया जाए। अब देखना होगा कि राजस्व विभाग के आला अधिकारी और कलेक्टर महोदय क्या कुछ संज्ञान लेते हैं या फिर इन्हीं गरीबों के ऊपर गाज गिरती है। धनवीर जाहिर, आरजे न्यूज़, सूर्य नारायण।